everyone, hello. So swagatam and welcome back to the channel Spice of Life. It's me Dwarka. I hope aap sab log acche hi honge, right? So yeah, before starting our vlog today, would like to introduce you someone. वैसे तो आप सब लोग ने first vlog में देखा ही होगा. Yeah, today there is, so here is the special person. Ta-da! Hi everyone, welcome back to this channel Spice of Life. Schönen Nachmittag. Yes, today Samyak is with us. Today we are going to do some grocery shopping. यहीं पे हमारे घर के नज़दीकी एक supermarket है, वहाँ जाएंगे. क्योंकि मुझे कुछ grocery shopping करनी है, उसमें mainly मुझे लेना है butter. Yes, unsalted butter लेना है. क्योंकि recently मैंने Facebook पे एक question पढ़ा था. It's like a post or question, you can say. जो groups रहते हैं ना Facebook पे. Indians in Germany या ऐसा कुछ group था, उसमें मैंने पढ़ा था कि जर्मनी में देसी घी कैसे बनाते हैं. So I thought let's go. घी साजुक तूप कसं बनवायचं आहे जर्मनीमध्ये आणि त्याकरता मी कोणतं बटर वापरते, अनसॉल्टेड कोणतं बटर वापरते ते आपण बघूया. दॅट आय वुड लाईक टू शेअर विथ यू विच अनसॉल्टेड बटर आय यूज टू मेक देसी घी. सो लेट्स गो टुगेदर अँड विल डू shopping also together. अभी है बटर सेक्शन में एंड यस आई विल शो यू विच बटर आई नॉर्मली परचेस फॉर माई घी ना फॉर मेकिंग देसी घी. साजूक तूप बनवण्यासाठी मी कोणतं अनसॉल्टेड बटर इथे वापरते ते मी तुम्हाला आज दाखवते आहे. नवीन आलं आहे. दिस वन इज सुसा नवीन आहे. यूज दिस गोल्डन हिल्स. जर अगर ये नाही हो देन आय यूज किरी गोल्ड. समटाईम्स आय स्विच इन बिटवीन किरी गोल्ड अँड गुड प्राईस टू दॅट. अनसॉल्टेड बटर केरी गोल्ड फॉर मेकिंग घी. फिर गोल्डन हिल्स इरिश बटर. दिस टेट्स ऑल्सो वेरी नाइस. या फिर आप यूज कर सकते हैं दिस. ये भी एक है अनसॉल्टेड बटर. दिस वन ऑल्सो यू कैन यूज. लुक कैमरा फोकस. यस डॉयचन मार्क बटर हाउस वाइल्डिश. ये जो है ना इट्स लाइक 82% फैट. ये हमको देख के लेना है सो दैट जैसे हम लोग घी बनाते हैं घर का वैसे ही इसका टेस्ट आता है. एंड दूसरा इसका भी अच्छा बनता है. एक दो बार मैंने ये बनाया था जब मुझे केरी गोल्ड बटर एंड इरिश ये जो केरी गोल्ड बटर एंड गोल्डन हिल्स बटर नहीं मिला था ना दैट टाइम आई यूज़ दिस वन. ये भी बहुत टेस्टी बनता है. मैं यूज़ करती हूँ पाव भाजी बनानी होती है ना. इट टेस्ट लाइक अमूल बटर. इट्स बिट सॉल्टी सो ये भी बहुत अच्छा है टेस्ट में. हाय एवरीवन इट्स मी द्वारका एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्पाइस ऑफ लाइफ. सो आज हम लोग देखने वाले हैं असली घी कैसे बनाते हैं.
साजूक तूप कसं बनवायचं हे आज आपण पाहणार आहोत. अँड दॅट टू यूजिंग अनसॉल्टेड बटर. सो अभी हम लोग ने देखा विच काइंड ऑफ और व्हाट काइंड ऑफ अ बटर विल गेट इन जर्मनी. अनसॉल्टेड बटर वी नीड टू प्रिपेयर देसी घी. सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन सा बटर लिया है टू प्रिपेयर देसी घी. सो या हियर इज बटर. देखना इट्स अ केरी गोल्ड बटर. यू कैन सी हियर या इट्स अ केरी. इनली हम लोग को देखना है ना इसमें कि हाउ मच परसेंट फैट इज देयर इन दिस बटर. लाइक इसमें है 82% फैट है इसमें. प्रिपेयरिंग देसी घी विथ दिस अनसॉल्टेड बटर. वी आर पुटिंग आवर फ्लेम ऑन मीडियम हीट. आई स्विच ऑन द गैस एंड येस आई एम पुटिंग इट ऑन मीडियम हीट. यू कैन चेक मैंने 6 पे रखा है यहाँ पे. एंड विद इन 2 to 3 मिनट्स बटर विल स्टार्ट मेल्टिंग. एंड उसके बाद उसका बॉइलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा. एंड जस्ट टू कंट्रोल दैट ओवर बॉइलिंग प्रोसेस यू कैन टेक अ स्पैचुला. आप इस तरह का एक स्पैचुला ले सकते हैं लाइक दिस वन स्पैचुला और यू कैन यूज दिस बिगर साइज स्पैचुला. एंड यू कैन पुट इट लाइक डाउनवर्ड्स ऐसे ये नीचे करके थोड़ा टेढ़ा पोजिशन में. इट्स लाइक टेढ़ा ही बोलते हैं राइट. या इट्स लाइक अ टेढ़ा. इट्स अ टिल्टेड पोजिशन. यू कैन कीप इट अ स्पैचुला और कुछ भी चम्मच ये भी आप चाहिए तो ये भी रख सकते हैं. दिस काइंड ऑफ अ स्पैचुला ऑल्सो. और कुछ स्टिक रहता है दैट ऑल्सो यू कैन यूज. एंड यू कैन पुट इट लाइक डाउनवर्ड्स वाइल बॉइलिंग एनीथिंग. लाइक आप खीर भी जब कब बनाते हैं तब भी एक स्पैचुला ऐसे रखते हैं तो उसका जो ओवर बॉइलिंग प्रोसेस है दैट विल कम अंडर कंट्रोल. दिस प्रोसेस यू कैन यूज टू बॉइल मिल्क ऑल्सो. आई एम पुटिंग माई फ्लेम ऑन 5. यू कैन चेक हियर. Now you can see here our ghee is almost done. Now just 5 to 6 minutes more then these bubbles and that foam will get disappear as that milk solid will be settled down to the bottom of that. Now our ghee is ready in that golden brown color. As it's get cooled down that foam will also get disappear. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ग्लास जार लिया है एंड 1 टी स्ट्रेनर टू स्ट्रेन आउट माय घी. यू कैन यूज मसलिन क्लॉथ या चीज क्लॉथ. एंड यस हियर इज अवर घी. आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है एंड यू कैन सी दैट मिल्क सॉलिड्स आर सेटल्ड डाउन टू द बॉटम. यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट आवर घी इज रेडी. And yes, I love my ghee in this golden brown shade. It's a perfect color for me. And if you want your ghee in grainy texture, then you can add a pinch of salt in it. But before adding it, make sure that your ghee is at room temperature or completely cool down. Then only you can add that pinch of salt. For getting that grainy texture. I am not adding it as I think वैसे भी उसको grainy texture आता ही है and मुझे वैसे ही अच्छा लगता है. That's why I am not adding. Today everyone, अगर ये मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो और आपने यहाँ तक देखा है और थोड़ा सा भी helpful लगा हो तो don't forget to hit that blue fat thumbs up button. And yes, do share it with your friends and family and don't forget to subscribe our channel. So till then, stay positive, stay healthy, think healthy, eat healthy, and yes, don't forget to stay connected with Spice of Life so that we can grow together.